नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। मैं अमन कुमार, बात कर रहे हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के। अभी मैं मौजूद हूँ सनमार्ग लाइव के स्टूडियो ऑफिस में और कार्यालय में, और बात कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 15 अगस्त की तैयारी जोरों शोरों से लगी हुई है, उसी के लिए आज परमंडलीय आयोग आनंद किशोर ने गांधी मैदान में ही सभी आला अधिकारी के साथ बैठक की। उस पर हमारे साथ सनमार्ग अखबार के संवाददाता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारी को लेकर आनंद किशोर ने कहा। तो हमारे साथ संवाददाता आलोक है, उनसे जानते हैं। आज बैठक की गई आनंद किशोर के द्वारा जी हाँ, जिला प्रशासन या प्रमंडलीय आयुक्त का पूरा ध्येय है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक मनाना। मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करने वाले हैं, सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न रहे, इसी को लेकर आज आयुक्त, डीएम सहित कई आला अधिकारियों ने अपने कार्यालय में सभी को निर्देश दिया कि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न रहे। देश में स्वतंत्रता दिवस पे हाई अलर्ट लागू है, इसलिए थोड़ी सी इस बार का स्वतंत्रता दिवस अलग महत्व रखता है। इसलिए जिला प्रशासन और प्रमंडलीय आयुक्त का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरी तरह सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में मनाया जाए, इसके लिए। वही दूसरी खबर ये आ रही है, सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन जो बिहार में एक बड़ी पार्टी है, उसमें टूट कहीं ना कहीं दिख रही है। थोड़े दिन पहले हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया कि हम विधानसभा चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगे, और आज कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए थी, ना कि विधानसभा। उसके लिए हम हमारे पांडे सर से पूछेंगे कि उस पर उनका क्या कुछ कहना है। सर, आज प्रेमचंद मिश्रा जी ने साफ तौर पे कह दिया कि लोकसभा चुनाव में ही हम महागठबंधन के साथ थे, ना कि विधानसभा। ऐसा है कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें महागठबंधन की बुरी तरह हार हुई। इसमें 40 में सिर्फ एक सीट जीती थी, वो भी कांग्रेस को मिली थी। चुनाव में मिली हार के बाद महागठबंधन में माथा चप्पी खूब हुआ। उसके बाद हम के सुप्रीमो मांझी ने 2 दिन पहले निर्णय लिया कि हम अकेले चुनाव, अकेला चलो की रणनीति करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनके ठीक 2 दिन के बाद आज कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी ने एक बयान दिया है कि मेरा जो गठबंधन में था पूर्ण में साथ लड़ने का चुनाव, वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित था। हम विधानसभा में ऐसा नहीं है कि हम लड़ेंगे, साथ ही लड़ेंगे। हम अपनी माने हम फैसला ऐसे आला कमल लेगा, लेकिन जो स्थिति लग रही है, उठापटक जो चल रही है, हो सकता है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़े। तो इस मतलब देखा जाए तो महागठबंधन जिस दिन कांग्रेस अलग हो गया तो समझे कि महागठबंधन खत्म हो जाएगा, ये स्थिति है। वही तीसरी खबर ये है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आए दिन बैठक करते हैं, और बैठक के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि जितने भी दागी अफसर हैं उन पर काफ़ी कड़ी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो बैठक तो हर दिन करते हैं, लेकिन बिहार में जो अपराध है वो घटने का नाम नहीं ले रहा, आए दिन अपराध बढ़ ही रहा है। उस पर चर्चा करने के लिए हम फिर से अपने संगमार अखबार के संवाददाता आलोक जी से पूछेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। देखिए, कोई भी सरकार राज्य में चाहती है कि अपराध पर नियंत्रण रहे, और अपराध नियंत्रण डीजीपी हों या गृह सचिव हों या मुख्यमंत्री हों, सबके लिए प्रमुखता सूची में होता है। लेकिन कोई भी सरकार अपराध पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूर्णतः उन्मूलन हो जाए तो ये तो सरकार के बस में, अपराध तो हर दिन होता है, राम राज्य में ही अपराध होता था। तो डीजीपी का जो दागी अफसरों पर कार्रवाई करने की बात है, तो शराबबंदी के मामले में जो दागी अपराधी हैं, जिनके थाने सही से नहीं चल रहे हैं, उनका ध्येय उन अधिकारियों पे है जो शराबबंदी के मामले में या घुसखोरी के मामले में दागी रहे हैं। और अपराध नियंत्रण पे लेके उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की, लोकल थानों के साथ बैठक की, फिर एसपी के साथ बैठक कर रहे हैं। तो उनका एक मानना है कि राज्य में जनता सुरक्षित रहे, जनता अच्छी तरह रहे, लोगों का धन सुरक्षित रहे, उनका ये मतलब नहीं है कि राज्य में पूर्णतः अपराध का उन्मूलन हो जाए। वही सबसे हॉट खबर तो ये रही कि गिरिराज सिंह ने जब ट्वीट कर
चिदंबरम और दिग्विजय सिंह पर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कही, तो उस पर कांग्रेस नेता कौकब कादरी ने काउंटर करते हुए कहा कि बीजेपी गिरिराज सिंह को इसीलिए रखी है कि वो किसी भी उन्माद और देश विरोधी बात को अपने विपक्ष की बातों को वो गलत तरीके से निकाल कर ट्वीट कर सके। उस पर हमारे साथ आशू जी हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। सर, गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर आज ट्वीट जो किया था उस पर कांग्रेस नेता कौकब कादरी ने काउंटर किया और उनका ये कहना है कि बीजेपी गिरिराज सिंह को इसीलिए रखी है कि वो विपक्ष की बातों को गलत तरीके से लेके उसको गलत तरीका बनाकर तंज कसे और ट्वीट करे। देखना यह है कि राजनीति में बरबोलेपन की जो नेताओं की कमी नहीं है। जब 300 धारा 370 ये खत्म हुआ उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं हर पार्टी के नेताओं के द्वारा आई है। इसमें चिदंबरम जी ने कहा कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था कश्मीर, इसलिए धारा 300 हटाई गई। उसके बाद दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट आया, उसके बाद गिरिराज सिंह का ट्वीट भी आया। गिरिराज सिंह के बारे में सब कोई जानते हैं कि ये फायरब्रैंड नेता हैं और हमेशा ये अपने बोली के कारण, अपने वक्तव्यों के कारण ये चर्चा में रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे दिग्विजय सिंह, ये लोग पार्टी की विचारधारा जो है 370 हटाना, 35A हटाना, ये जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा था कि जनसंघ की स्थापना हुई थी उस समय भी ये था कि धारा 370 और 35A को हटाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे। ये अच्छी बात है कि इसमें लोकसभा में ये पारित हो गया है और उस पर से जब कानून बन गया है इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब कश्मीर में कैसे शांति बहाल हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये नेताओं का जो ये बयानबाजी है एक दूसरे को, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत लोग देखते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। वोट बैंक की राजनीति से देश नहीं चलने वाला है। तो कौकब कादरी का रिएक्शन है, वो अपनी वोट बैंक को देख रहे हैं। गिरिराज सिंह की राजनीति है कि वो संसद में किए कानून पास का वो पक्ष ले रहे हैं। बस वही खबर तो ये भी आ रही है राजद के द्वारा भी कि जहां शिवानंद तिवारी ने आज सीधे तौर पे ये कह दिया कि नीतीश कुमार को खुला ऑफर है कि वो महागठबंधन में आए और महागठबंधन को संभाले, उसके लिए हमारे साथ मनोज सर है और उनसे इस विषय में जानेंगे कि उनका क्या कुछ मानना है इस पे। सर, आज शिवानंद तिवारी ने खुले तौर पे ये कहा कि महागठबंधन की हालत बहुत खराब है और नीतीश कुमार को आके महागठबंधन को संभाल लेना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जिस धारा की राजनीति करते हैं शिवानंद तिवारी उनके भी करीब रहे हैं और सब लोगों ने जेपी आंदोलन के बाद एक मंच पर रहकर राजनीति की है। आज भले ही दल अलग हों लेकिन कहीं न कहीं खिंचाव होता है और स्थितियों को देखते हुए आज वो आरजेडी के शिवानंद तिवारी आज आरजेडी में हैं और इसके पहले जो गठबंधन बना था और उस गठबंधन से टूटकर नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद ये बातें कई बार उठती रही हैं और जिस धारा की वो राजनीति करते हैं उस लिहाज से शिवानंद तिवारी ने कहा है कि यदि वो उनको चाहिए कि वो आ जाए राजद के साथ ताकि राजद भी उसी धारा की राजनीति करती है जिस धारा की वो राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चूँकि कुछ मुद्दों पर मतभेद रहा है और कुछ मुद्दों पर दोनों का स्टैंड अलग है, बीजेपी का कुछ स्टैंड है और जदयू का अलग स्टैंड है, तीन तलाक हो 370 पर भी जो लोकसभा में समर्थन नहीं मिला इनका, वॉकआउट कर गया था जनता दल यूनाइटेड के जो सदस्य थे वो वॉकआउट कर गए थे, तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए शिवानंद तिवारी ने ये बात कही है। लेकिन ये कोई ऐसा भी मसला नहीं है कि अगर शिवानंद तिवारी ने कह दिया तो कहीं नीतीश कुमार महागठबंधन में आने जा रहे हों या कहीं इस तरह की सुगबुगाहट है, अभी कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। सर, एक और बात है, शिवानंद तिवारी ने ये भी कहा है कि जैसा हाल अभी तेजस्वी का है लोकसभा चुनाव के बाद अगर यही हाल उनका रहेगा तो NDA आने वाले विधानसभा में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। शिवानंद तिवारी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार
के साथ वो बराबर रहे हैं और समाजवादी राजनीति उन्होंने की है शुरू से, और आज जहां वो हैं उस दल में फिलहाल लालू प्रसाद सजायाफ्ता हैं और वो जेल में हैं, इस समय वो इलाजरत हैं, रिम्स रांची में भर्ती हैं। लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में तेजस्वी को ये कमान मिला था कि वो आरजेडी को चलाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस तरीके से तेजस्वी अपने आप को मुख्य धारा से कहें कि एकदम अलग थलग कर लिया है उन्होंने, उनके पार्टी के भी कई कार्यक्रम हुए उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की, लोगों को ये उम्मीद थी कि सदस्यता अभियान की जो शुरुआत राजद ने की उसमें तेजस्वी जरूर आएंगे और वो पटना में जो उनका दफ्तर है, मुख्यालय है, वहाँ से वो उसकी शुरुआत करेंगे। लोग उनका इंतज़ार करते रह गए लेकिन तेजस्वी नहीं आए। कई से मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है मानसून सत्र, और उस सत्र में तेजस्वी अगर 21-22 दिनों का जो भी सत्र रहा उसमें 2 दिन आए और महज 10-15 मिनट के लिए उन्होंने वो विधानसभा में गए, और इस स्थिति में जो दल का नेता हो, जिसको आपने अपना अगुआ बनाया है, उम्र में चाहे वो छोटे हों बड़े हों वो अलग का मसला है और ये बातें भी उठती रही है, लेकिन जब तेजस्वी को आगे कर दिया गया कि राजद का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे और उनके पीछे तमाम पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ जो लीडर हैं वो भी खड़े हैं, और उस स्थिति में तेजस्वी अगर अपने आप को किनारे रखे हुए हैं तो जो महागठबंधन था उस पर तो असर पड़ ही रहा है, क्योंकि सारे लोग निराश हो चुके हैं उनकी इस जो राजनीतिक की जो उन्होंने एक अलग शैली इख्तियार किया है चुनाव परिणामों के बाद, अब वो क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं उनके दल के लोगों को भी पता नहीं है, और ख़ास करके जो वरिष्ठ लोग हैं उनके अंदर वो लोग संघर्ष करने वाले हैं। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई विपरीत परिणाम आया हो उसमें लालू प्रसाद के साथ चलने वाले लोगों ने कभी भी अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दिया, और स्थितियां ये हैं कि चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में तेजस्वी कहीं भी हो, ना तो ये बता रहे हैं कि हम हैं कहाँ, अगर वो यहाँ नहीं है तो पार्टी कैसे चलेगी, तो एक तरीके से संवादहीनता की स्थिति आ गई है राष्ट्रीय जनता दल में। जो शिवानंद तिवारी का जो बयान ये बता रहा है कि शिवानंद तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता से भी संवादहीनता की स्थिति अगर है, तभी शिवानंद तिवारी ने यह बयान दिया, और उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, और विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं वहां तैयारी शुरू कर चुकी है, और जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं उसका भी उसने रूपरेखा सब तय कर लिया है, स्ट्रेटजी उसने तय कर लिया है, और उस स्थिति में अभी आरजेडी जहाँ चुनाव हारने के बाद खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है, तो इस स्थिति में उनका बयान कोई गलत नहीं है, और ये सही है कि अगर आरजेडी की स्थिति यही रही तो उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, नेताओं का मनोबल टूट रहा है, इसलिए कि ऐसा लग रहा है कि उनके बीच और तेजस्वी के बीच कहीं ना कहीं संवादहीनता गहराता जा रहा है, और उसी संवादहीनता का परिणाम है, लोगों की छटपटाहट है कि आज शिवानंद तिवारी को ये बोलना पड़ा है। शिवानंद तिवारी ने पहले भी कहा था, ललकारा था तेजस्वी को कि आप लड़िए, संघर्ष कीजिए, उसके बावजूद उनका लगातार अनुपस्थित रहना और लोगों से कटा रहना, कोई जानकारी उनकी नहीं रहना, हो सकता है अंदरूनी तौर पर उनके दल के कुछ लोगों को हो पता, शिवानंद तिवारी को भी हो पता और वो नहीं कह पा रहे हो, लेकिन जो बाहरी जो उनका जो आवरण है उस आवरण के बाहर जो भी है उनके दल का जो कोर ग्रुप हो या जो भी हो अगर उनको पता हो तो भी लोग ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी कर क्या रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा, और राजनीति में किसी भी स्थिति में किसी के अगले कदम की जानकारी ही उसके कार्यकर्ताओं को एकजुट रखता है, नेताओं को एकजुट रखता है, उनका मनोबल बढ़ाता है, और यहाँ पर आरजेडी इस मामले में विफल साबित हो रही है, इसलिए जो उन्होंने कहा है अगर ऐसा हो जाता है कि शिवानंद तिवारी का बयान सत्य होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबर और काफ़ी रुचिक खबर आज आपने देखा।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होते रहे। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अमन कुमार, सनमार्ग लाइव, पटना।